वेलकम टू माय क्लासरूम, लेट्स बिगिन। स्वागत है मेरी कक्षा में, शुरू करते हैं। देखिए, आज टीचर्स डे है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ एक ऐसी स्पेशल चीज़ बताऊं जो आप देखकर खुश हो जाएं, ठीक है। मैंने जो भी सर आइज़क न्यूटन से चीज़ें सीखी हुई है, आई मीन स्पेशली तो जाके नहीं सीखी, लेकिन उनको पढ़ के ही तो सीखते हैं, और क्या, कहीं आप ऐसे समझ लोगे तो नहीं, पढ़ के उनकी किताबों से जो मैंने जो चीज़ें सिखाई है, मैंने आपको काफ़ी इस चैनल के अंदर चीज़ें बता रखी है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, इंग्लिश में बनाया था द स्टोन वन, और हिंदी में बनाया हुआ मुक्ति वन, ठीक है। उसमें मैंने ग्रेविटी यूज़ की थी सर आइज़क न्यूटन की, तो मैंने क्या समझा मैं उस चीज़ से, उनको पढ़ के मैंने वो बताया। तो आज सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्फेयर का हमको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। कैसे निकालेंगे भाई, कैलकुलस बनी है तो कोई तो यूज़ होगा उसका, क्या ये सब चीज़ें भी बनती है कि नहीं बनती, निकलती है कि नहीं निकलती। वॉल्यूम जो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, 9th क्लास में 10th क्लास में निकाल के इतने लंबे उन डेरिवेशन को प्रूव कर करके पागल हो गए, लेकिन याद रहता नहीं, तो क्या इंटीग्रल कैलकुलस से ये निकलता है नहीं निकलता, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा क्यूरियस है इन चीज़ों को सीखने के लिए, जिसको शौक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंट और डफर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इच्छुक हैं, लगन है आपके अंदर, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा इसके अंदर। मैंने क्या सीखा उनकी थ्योरी से वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझो सर्कल को, और दूसरा मेरे पास में ये है कैमरे का कवर है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, स्फेयर यानी गोला और ये यानी वृत्त सर्कल, इन दोनों में फर्क क्या है, ये स्फेयर है, ठीक है ना, गोला, इन दोनों में फर्क क्या, पहली चीज़ तो देखो बेटा, मेरी अंगुली इधर चलते जा रही है, मुझे नहीं पता चला कि ये कब ये सर्कल को टच कर गई, यानी वृत्त को टच कर गई, मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा, ठीक है ना। और मेरी उंगली चलती जा रही, जैसे मैं यहाँ पहुँचा मेरे को टच हुआ, फील हुआ। अब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला ये तो गोल है और टच कर सकता हूँ, यानी उभरा हुआ, देखो बाहर आया हुआ बोर्ड से, ठीक है ना, 3D है ये, विच मीन्स ये स्फेयर है, गोला। तो गोले और वृत्त में यही फर्क है कि ये सिर्फ बन सकता है, ठीक है ना, इसको फील नहीं कर सकते, देख सकते हैं इसको, ये 2D है, ये 3D है, समझ में आ गया यहाँ से। चलो अब बात करते हैं कि इसका निकालेंगे कैसे वॉल्यूम। तो देखो बेटा, टीचर तो क्या अब ये चीज़ें बताएगा नहीं, ठीक है, और हमने क्या कि थोड़ा इन चीज़ों पे पढ़ाई कर रखी है, तो हमने यही हमेशा यही देखा है इन चीज़ों के कि एप्लीकेशंस क्या हैं इनके, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। हमने इंटीग्रल पढ़ा इतना लंबा चौड़ा, फिर हमने इंजीनियरिंग की, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि काम क्या आएगा, तो फिर उसको पढ़ने का क्या मतलब। तो टीचर्स डे पे स्पेशल आपके लिए यही है कि आज आपको यही बताएंगे कि यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस से हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं स्फीयर का, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं समझा हूं सर आइज़क न्यूटन को, वो बता देता हूं आपको, ठीक है। ऐसा मैं समझना कि मैं स्पेशली जाके उनसे, वो तो बातें 500-400 साल पुरानी हो चुकी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बेटा, अब ये गोला समझो, ये वृत्त नहीं सर्कल नहीं है, इसको क्या समझो, गोला समझो, यानी स्फेयर समझो सबसे पहले, तो उभरा हुआ है तो 3D तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, इसको ये समझो कि ये गोला है। अब देखो, इसकी एक रेडियस होगी कि नहीं होगी, त्रिज्या होगी, बिल्कुल ये रही वो त्रिज्या, बैठेगा ये अर्ध गोला बन गया, ठीक है। अर्ध गोले को क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर, हेमी लगा दो, और सर्कल आधा होता तो क्या बन जाता, सेमी बन जाता, वहाँ पे सेमी लग जाता, ठीक है ना। तो ये नाम है इनका, कोई डरने वाली, तो हेमीस्फेयर और सेमी सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो इसको तो हटा देते हैं, सेमी तो काम आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मेरा क्या है, गोला है, बैठ गया, ये मेरी रेडियस है, ये रेडियस कितनी है बेटा, आर है, ये रेडियस कितनी है मेरी बेटा, ये भी आर है, और अगर कहीं यहाँ होती रेडियस तो वो भी क्या होती, आर होती, बिल्कुल सहमत हो, गुड, ये पूछना था आपसे। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया है, इस गोले को काट दिया है, क्या कर दिया, थोड़ा सा काट दिया है मैंने इसको, देखो यहां से काटा, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, और इसके ऊपर एक लाइन और खींच दी मैंने, ये, ठीक है, ये मैंने इतना छोटा कट लगाया है कि यहां तो सिर्फ दिखाने के लिए बताया मैंने, लेकिन इतना छोटा लगाया है कि जो हम dx dy बोलते हैं ना बेटा, डेल्टा x डेल्टा y dy dt dp ds dv, वो वाला कट लगाया। अब देखो बेटा, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट अगर कोई मेरे से पूछे तो ये हाइट है dy, नाम दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, बड़ा लिख दूं इसको तो कम से कम dy नाम दे रहा हूं मैं इसको, इस हाइट को इतनी सी, देखो ये हाइट है, ठीक है, ये मैंने काटा है। अब मैं काटूंगा तो ये कटेगा कैसे बेटा, इतना पतला काटना है कि क्या काटना है, तो पहले ये समझो, देखो बेटा, तो ये देखो मेरे पास में, ये हमारे एक सब्जी बनती है राजस्थान में, इसको काचरा बोलते हैं, मारवाड़ी हैं हम, तो इन चीज़ों को खाते हैं। तो ये देखो बेटा, ये गोला दिख रहा कि नहीं दिख रहा,
है ना। अब इस पर हाथ फेर रहा हूँ ऐसे, तो इस पर टच हो रहा है तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ इसका मतलब कुछ है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपना स्फीयर बन गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस स्फीयर के मैं दो टुकड़े कर देता हूँ सबसे पहले, तो इसको मैं बना देता हूँ हेमिस्फीयर। तो ये बना दिया मैंने इसको काट के हेमिस्फीयर, ये काट दिया बेटा मैंने इसको, और ये बन गया हेमिस्फीयर। ये देखो बेटा, ये बन गया हेमिस्फीयर। ये इतना ही रहा, ये नीचे वाला मैंने ये वाला हटा दिया, ठीक है। अब ये क्या काटा है मैंने, तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको इसमें कि इसको मैंने और देखो इतना काट दिया ऐसे, ठीक है। ये काट दिया मैंने इसको और, तो ये देखो बेटा, ये तो कितना मोटा कटा है, देखो दो हैं लेकिन मोटे मोटे कटे हैं, दिख रहा है। ये देखो बेटा मोटे मोटे कटे हैं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल पतला सा काटना है, ऐसे ही काटना है लेकिन पतला सा काटना है, बिल्कुल पतला सा, कितना, जितनी हमारी सीडी होती है जो हम यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी, बिल्कुल एकदम पतला, समझ गए, जो हम कॉम्पैक्ट डिस्क यूज करते हैं, सीडी डीवीडी जो हमारी होती है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सीडी डीवीडी से भी कम काटना है। आपने सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल। क्यों लिया था, क्योंकि सबसे पतला होता है वो मेटल, मैलेबल, वो प्रॉपर्टी जो डक्टिलिटी मैलेबिलिटी वो सब मालूम है कि नहीं है, तो हमें उतना पतला ही काटना है, ये ध्यान रखना, बैठ गया, माइक्रोन्स में, एमएम में भी नहीं, एमएम में भी नहीं, मिलीमीटर में भी नहीं, माइक्रोन्स में, इतना पतला। तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं फिर, डीवाई दे दिया। इसकी हाइट कितनी है, डीवाई दे दिया नाम उसको, कि भाई इसकी जो हाइट है वो इतनी सी डीवाई है। ये क्या है अगर कोई मुझे ये बोले तो, है तो ये भी रेडियस ही, आर लिख दूं यहाँ पे ना, लेकिन मैं इस पॉइंट का, ये रेडियस है लेकिन मैं इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक नाम दे रहा हूं, इतने से का वाई नाम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा, वाई नाम दे रहा हूं, समझ में आ गया। इतने से पॉइंट का मैंने वाई नाम दिया, जहां से काटा वो नहीं। और ये जो कटा है ना बेटा, ये स्लाइस, इसको ये समझो ये गोल कटा है पूरा, जो मैंने अभी दिखाया आपको काट के। अब मैंने इसको हेमिस्फीयर बना दिया, ये लो ये हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये हेमिस्फीयर बन गया। और ये जो काटा है ये भी गोल ही तो कटेगा, सीढ़ी जैसा, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मौत तो मैंने दिखा दिया ना वहां पे, वो कटा जो, ठीक है, वो पतली सी चीज काट लेंगे, तो उसका नाम मैंने दे दिया डीवाई, ठीक है। ये भी मेरी रेडियस होगी, लेकिन देखो इतनी सी चीज का नाम मेरा वाई है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये जो होगा ना, ये क्या होगा, ये भी रेडियस ही तो है ना, ये भी रेडियस है, लिख देता हूं आर, क्योंकि सेंटर से जाके टच कर रही है हेमिस्फीयर को, किसी भी पॉइंट पे सेंटर से जाके कहीं टच करेगी तो वो रेडियस बन जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से लेके ये पॉइंट हमें चाहिए, यहां से लेके ये चीज चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, तो देखो बेटा ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समझ आ गया। क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक की वैल्यू वाई है और दूसरे की वैल्यू आर है, तो ये कितना आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेटा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे बता देना, वाई आर और तीसरा क्या आएगा, ठीक है। ट्रायंगल का कोई भी नाम लिख लेना, ए बी सी जो भी है, अलग से क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया मान लो 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनस हो गया, इसको हमने बेस मान लिया है ना, या इसको हम परपेंडिकुलर मान, एक ही बात है कुछ नहीं, क्योंकि वो थीटा देता, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, समझना बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजा आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसी चीज़ें बताता नहीं है कोई भी, बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों में, खुद को पढ़ना पड़ता है पहले चीज़ों को क्लियर, खुद की भी तो क्लियरिटी होनी चाहिए ना, फिर पढ़ाएगा क्या आदमी। तो ये समझ में आ गया, ये चीज कैसे निकली, पाइथागोरस थ्योरम से निकली ये वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये रूट, हो गया काम, इतने से काम हो गया ना, अब काम खत्म बेटा, अब सिर्फ इंटीग्रेशन ही यूज करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैं ब्लैक ही यूज करता हूँ। अब देखो बेटा वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, डी वी वॉल्यूम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू पाए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, या तो एल इंटू बी इंटू एच, या होता है एरिया इंटू हाइट, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो पाई आर क्या है हमारा, आर स्क्वायर क्या है, हम तो इसका निकाल रहे हैं इतनी सी का, तो हमारा तो ये आया है, तो
आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, और इसका क्या करना है अब हमें, स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता, हाँ, इनटू एच, एच क्या है हमारा डी वाई, हाइट कितनी है, जो हमने ये जो स्लाइस काटी है गोल गोल, इसकी हाइट कितनी है, डी वाई, एरिया इनटू वॉल्यूम, क्या हो गया, सॉरी हाइट वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो ये किया डी वी, और डी वी को मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, वन इंटू डी वी लिख देता हूँ, वन डॉट डी वी लिख देता हूँ, वन डॉट डी वी। अब देखो बेटा, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो पाई तो कॉन्स्टेंट है, बार आ गया, ये इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो ये जो आई, सपोज करो हमें ग्राफ दे रखा है, कोई टाइम का ग्राफ बना रहे हैं हम, टाइम का, तो मैक्सिमम टाइम दे रखा है 5 सेकंड या 5 मिनट, और इधर जीरो, तो टाइम का ग्राफ आप क्या बोलोगे, मिनिमम कितना, जीरो, मैक्सिमम कितना, 5, तो वाई मिनिमम कितना, जीरो यहाँ से शुरू हुआ, और मैक्सिमम कितना, देखो बेटा आर क्यू, क्योंकि रेडियस है, ये तो रेडियस है, क्यों, क्योंकि तो सेंटर से निकल रही, ठीक है, तो जीरो से आर लेके चलो और स्क्वायर से ये रूट हटा दो, बैठ गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बैठ गया। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो बेटा वन को मैं और क्या लिख सकता हूं, v की पावर जीरो, और v की पावर जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहां dv आ रहा है, इसलिए y आता तो y की पावर जीरो बनाता, यहां dy आता, dt आता तो t की पावर जीरो बना देता, dv कोई प्रॉब्लम हुई, पाई जीरो से r। अब देखो बेटा r स्क्वायर डॉट dy, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये dy एक बार, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस y स्क्वायर dy, बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं है, इंटीग्रेट क्या होगा, किसी की पावर जीरो आ रही, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, v की 0+1/0+1, यानी v की 1/1, यानी किसी की पावर 1 हो तो लिखनी जरूरत नहीं, और अपॉन में 1 को लिखनी जरूरत, यानी v आ गया, इंटीग्रेट कितना आया इसका, v आया, क्योंकि जीरो है पावर, ये पाए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेट करो बेटा, तो देखो बेटा आर स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन dy के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इस बार y की पावर जीरो जुड़ी हुई है, तो जीरो से आर तक तो हमें करना ही है, आर स्क्वायर तो है ही, और डीवाई का कितना हो जाएगा, वाई, सेम ऐसा का ऐसा, माइनस वाई स्क्वायर डीवाई का कितना हो जाएगा बेटा, वाई क्यूब बाय 3। इंटीग्रेट करना तो आता है, समाकलन वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, तो जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो अब हम इसका साइन हटा देते हैं और इस पर लिमिट लगा देते हैं, जब इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट का साइन अब नहीं आएगा, जीरो से आर तक हमने इसका इंटीग्रेट किया, ये जीरो से आर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, y की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी, जीरो से 5 तक, y की वैल्यू कितनी है, जीरो से लेके आर तक है, क्योंकि आर उसकी रेडियस है, तो ये v इक्वल्स टू, ये देखो बेटा पाई, मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लगा नहीं लगा दो, जहां भी ये दिखे उसकी जगह आर पुट करना है, आर स्क्वायर तो पहले से था ही, वाई की जगह मैंने आर पुट कर दिया, ठीक है, माइनस इस वाई की जगह भी मैंने आर क्यूब पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, क्यूब तो था ही और ये था ही, और लोअर लिमिट बेटा जीरो है, समझ में आया, यानी वाई की जगह जीरो पुट करना, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो लोअर लिमिट को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इधर, वी इक्वल्स टू पाए, क्या बचा बेटा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन 3। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, इंटीग्रेट भी कर दिया, वैल्यू भी डाल दी, जीरो से आर तक सारे को आर बना दिया, बैठ गया यहाँ तक, तो चले आगे, गुड, तो v इक्वल्स टू ये बचा पाए, एलसीएम लो बेटा, क्या बन गया, 3 एलसीएम आ गया, तो 3r³ - r³, ये आ गया समझ में, तो v इक्वल्स टू पाए 2r³/3। ये समझ में आया कि नहीं आया, 3r³ में से 1r³ चला गया तो 2r³ बचा, तो v इक्वल्स टू, इसको सही तरीके से लिख लो, 2/3πr³। ये बताओ वॉल्यूम होता कि नहीं होता स्फीयर का, ये नहीं होता बेटा स्फीयर का वॉल्यूम, ये हेमिस्फीयर का होता है, क्योंकि हमारे सामने हेमिस्फीयर बना हुआ है, स्फीयर का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें मालूम है हम हेमिस्फीयर लेके चल रहे हैं, तो v/2 ये तो चेक कर रहा था मैं तुम लोगों को, v/2 इधर भी v/2, समझ में आ गया, ये v/2, ये 1/2 जो इसका इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेट होता नहीं, ये 2 अब उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल्स टू कितना बन गया, देखो बेटा 2 × 4/3πr³, ये वॉल्यूम होता है कि नहीं होता स्फीयर का, कैसा है, यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है, छोटा सा डायग्राम था आपको ये याद करना था, डायग्राम छोटा सा, इसमें कुछ भी नहीं है, हेमिस्फीयर है, पता नहीं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आया
तो फिर तो मामला गड़बड़ी है आपका, क्योंकि ये तो इतना इजी इंटीग्रेशन है कि तो हाँ इसको तो बच्चा कर ले, स्टार्टिंग वाले बच्चे को बोल देना ट्वेल्थ में आते ही कि इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा, इंटीग्रेशन करते हो खट से कर देगा इंटीग्रेशन, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेटा हम तो ये सीखें, अब आपको चाहे बोरिंग लगा हो चाहे अच्छा लगा हो, हमारे पास तो ये था, हमने आपको बता दिया कि इंटीग्रल कैलकुलस की यूज़ करके कैसे हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। खेल सारा इस डायग्राम पे है, अगर डायग्राम समझ में आ गया कि वो जो स्लाइस काटी है वो क्या है, तो वो सीडी समझ लो, डीवीडी, या फिर सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का वो गोल्ड फॉइल जो पेपर था वो देख लो, ध्यान कर लो कि कितना पतला था, वैसा काटा। तो क्या है कि देखो बेटा, उसको काटेंगे तो ना एरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों देखो यहाँ तक लेंथ ज़्यादा है और यूँ देखो ये धीरे धीरे यूँ आ रहा है। अगर ये, अगर मैं ये बोलूँ कि ये लेंथ भाई ये ट्राइंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है क्या बेटा, है नहीं है ना, तो हमने भी थोड़ी ऊपर गए ना, तो लेकिन फिर हमने उसकी चेंज कर दी ना रेडियस, हमने बोला कि ये एक्चुअल में इसकी ये रेडियस तो है ही नहीं इसकी, तो क्योंकि ये तो सेंटर तो यहाँ है इसका, ऐसे निकलता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो अब ये क्या, टीचर के पास तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद आपको पसंद आएगा, इसलिए टीचर डे स्पेशल पे आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बना दिया। अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमें पता चल जाएगा, और जल्दी मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के साथ में। गॉड एंड हैप्पी टीचर्स डे, शुक्रिया।